गाइस क्या अभी खेलना चाहते हैं फ्री फायर को अपने लुबन पीसीआर लैपटॉप पे? पर आप हर एक एमुलेटर ट्राई कर चुके फिर भी जो कि आपका है फ्री फायर लैग करता है आपके 2GB रैम वाले पीसीआर लैपटॉप पे, जिसमें कि ग्राफिक कार्ड के नाम पे घंटा कुछ भी नहीं है। तो वेल गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू एमुलेटर ले आ चुका हूं, ये फ्री फायर के लिए ही है। तो अगर आप फ्री फायर में लैग फेस कर रहे हैं या चल ही नहीं रहा है आपके पोटैटो पीसी में, तो वेल गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। तो वेल गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, और अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो भैया आप इस एमुलेटर को इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपके फ्रेंड प्यारे दोस्त ने शेयर कर दिया इस वीडियो को, तो भाई नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, बस तब जाना चाहिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर देना। और भैया जब इतना ही कर गए हो तो यार लाइक करके जाना, अंगूठा लगा दो भैया लाइक के बटन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एमुलेटर का नाम है मोमो प्ले, तो काफी बेहतर एमुलेटर है, काफ़ी न्यूली एमुलेटर है, आपको ज़रूर से इसे ट्राई करना चाहिए। एमुलेटर की साइज़ की बात करें तो 300 MB का साइज़ है दोस्तों, आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, कोई भी एज ए नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, सिंपली यहाँ पर अपन यस करते हैं। यहाँ पर आप सिंपली कुछ अदर लैंग्वेज, यहाँ पर कुछ ताइवानी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको शो होगा, बट जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ सिंपली आपको वही यहाँ पर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर आप क्लिक करना है एंड जिस भी डायरेक्टरी पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पर आप ब्राउज करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो देख रहे हो ऑरेंज वाला, सिंपली इसमें क्लिक करना है एंड आपको जो एमुलेटर है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एमुलेटर वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आपको ये जो देख रहे हो जो ऑरेंज रंग का यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है वर्ड्स में, सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है तो जो आपका एमुलेटर रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ये हाँ प्लेयर, इसे आप अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं बट इसका इंग्लिश का नाम है मोमो प्ले, ठीक है। तो अभी अपन लैंग्वेज चेंज करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, रुको ज़रा सब्र करो, बोला ढक्का मुक्की नहीं। हमारा एमुलेटर कुछ इंटरफेस है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आ जाना है, ठीक है। सेटिंग्स पे आ जाने के बाद सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पर आपको आ जाना है एंड सेकंड ऑप्शन में सबसे लास्ट वाले पे आ जाना है, यहाँ पर इसे आपको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेना है। एंड पर आपको ये जो ऑरेंज रंग का बटन है सिंपली इसमें टैप करना है एंड ये ऑरेंज वाले बटन पर आपको एमुलेटर रहेगा वो ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एमुलेटर का जो लैंग्वेज था वो हमारा अब इंग्लिश में पर्टिकुलरली सेट हो चुका है, अब अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होगा लैंग्वेज से रिलेटेड। फिर से आपको सेटिंग्स पे आ जाना है एंड इस सिमुलेटर का मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगता है आपका पीसी का रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से अपने आपको ऑप्टिमाइज कर लेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप कुछ इंक्रीज करें तो आप यहाँ पर CPU RAM अपने इंक्रीज कर सकते हैं, बट मैं हाईली प्रेफर करूँगा कि भाई जो डिफॉल्ट है उसी को रहने दो, कुछ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। और कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो फ्री फायर को यहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट जिनके पास मोबाइल में है वो मोबाइल से कैसे ट्रांसफ़र करें? सिंपली आप क्या करना है, इन चीज़ों का हमें नीड पड़ेगा। पहला है हमारा फाइल मैनेजर, दूसरा है हमारा गरीना का APK एंड दूसरा है हमारा OBB। तो भैया ये आप अपने मोबाइल से दोनों बैकअप कर सकते हैं। फाइल मैनेजर का लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा। सिंपली आपको ये APK वाला आइकन पे आ जाना है, ठीक है। एंड जहाँ कहीं भी आपने अपने वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखा होगा, तो मैंने इसे OBB के फोल्डर में बना के रखा हुआ। सिंपली मैं ES फाइल एक्सप्लोरर को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारा जो ES फाइल, जो हमारा फाइल मैनेजर है वो इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा अपन यहाँ पर हम APK भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा गेम का APK। तो चलिए वो भी हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा जो OBB फाइल था सिंपली आपको इसे यहाँ कॉपी करना है एंड अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, या हाँ प्लेयर करके दिखेगा, सिंपली इस पे जाना है, एप्लीकेशन में इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ पर, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है अगर आप अपने मोबाइल से बैकअप करते हो तो। अगर इन केस आपका जो APK है वो इंस्टॉल नहीं होता तो सिंपली APK को भी आपको अब क्या करना है, इसे अपन डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं या प्लेयर्स में चलते हैं एंड एप्लीकेशंस में इसे भी हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं इंस्टॉल होता तब ये ट्रिक आपको अपनाना है। अपन फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, पर आपको इंटरनल स्टोरेज पे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको सर्च करना है भाई कौन से फोल्डर पर रखा था, तो हमने एप्लीकेशंस को में रखा था, सिंपली मैं एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। पहले हम APK को इंस्टॉल कर लेंगे, जस्ट इंस्टॉल करना है आपको यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम का एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अपन डन में क्लिक करना, ओपन मत करना। अब क्या किया, जो हमारा गेम का OBB फाइल है हम इसे आप कॉपी कर लेते हैं। फिर से आपको ये होम वाले आइकन पे क्लिक करना, इंटरनल स्टोरेज पे जाना है, एंड्रॉइड पे जाना है। यहाँ पर आपको एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करना, उसका नाम रहेगा OBB, ठीक है।
एंड सिंपली अपन ओके करते हैं एंड यहाँ पर इसे ओपन करना है एंड जो आपने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो। बस यहाँ पर आपका पूरा काम कंप्लीट होता है, आपका गेम सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। एंड जो लोग प्ले स्टोर से यार करना चाहते हैं तो सिंपली प्ले स्टोर में लॉग इन करो एंड अपना गेम जो है डाउनलोड कर लो। क्या करते हैं सिंपली अपन सब बैक कर लेते हैं, सिमुलेटर को रीस्टार्ट कर लेना जब सब कुछ इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं हमारे फ्री फायर का जो गेम का आइकन यहाँ पर आ चुका है, सिंपली हम ऊपर से टैप करके ओपन पे क्लिक करते हैं। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गेम ओपन हो चुका है बट यहाँ पर अपने को कोई भी की मैपिंग देखने को नहीं मिलता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन अभी की मैपिंग करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को अभी भी छोड़ के मत जाना क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है। देख सकते हैं यहाँ अपने को कोई भी की मैपिंग देखने को नहीं मिलता है, तो सिंपली आपको ये कीबोर्ड वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड सबसे पहले यार अपना जो जंप बटन है उसको आपको एफ सेलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली अपन सेव पे क्लिक करते हैं। पहले अपन जंप कर लेते हैं, देख सकते हैं आप वाइल प्लेइंग मेरे को कोई भी यार FPS ड्रॉप का यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है एंड अपने को पिंग इशू भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिर काफ़ी सारे ऐसे एमुलेटर हैं जो आपको पिंग इशू देखने को मिलते हैं बट इसमें आपको कोई भी ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर अपन स्टैंड हो जाते हैं एंड यहाँ पर अपन अब की मैपिंग कर लेते हैं। फिर से हमें कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर चलते हैं, यहाँ पर आपको M सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों एंड इसे आप शिफ्ट पर कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो देख रहे हो ये डाइस को यहाँ पर आपको कर लेना है, जॉयस्टिक को यहाँ पर अपन Z कर लेते हैं, ये हो गया C, ये हो गया दोस्तों स्पेस एंड यहाँ पर शूट का बटन यहाँ दिख रहा होगा ये रहा, तो इसे हम इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे एंड ये जो देख रहे हो ये जो देख रहे हो ये शूट व्यू, तो ये सिंपली आपका जो माउस का जो सेंसिटिविटी ये है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप 1 कर लो, इसे आप 2 में कर लो, इसे आप 3 में कर लो, ठीक है। एंड ये तो रीलोड है, ये आपका यहाँ रीलोड कर लो। तो ये हो गया मेडिकेट वाला, इसे हम एच कर लेते हैं, इसे हम टैब से कर लेते हैं, ओके। तो अपन कोई अपने को कोई मार रहा है तो अपन सिंपली देखते हैं अपना जो माउस कर्सर, चलिए ठीक है। यहाँ पर अपना जो माउस कर्सर है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, तो जल्दी से फटाफट अपन गन का भी कर लेते हैं, तो यार गन मिल जाए जल्दी से। चलिए एक बार हम दौड़ के भी देख लेते हैं अपना जो रनिंग वाला बटन है वो ठीक काम कर रहा नहीं, चलिए एकदम बढ़िया काम कर रहा है, तो जल्दी से हम यहाँ भागते हैं। क्या करते हैं अपन दोस्तों, फिर से लेफ्ट राइट क्लिक करते हैं, फिर से अपन चलते हैं इसमें एंड स्कोप वाले पे आपको यहाँ पर क्यू पे कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्यू दबाओगे तो आपका जो स्कोप है वो ओपन हो जाएगा, तो एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये बेसिकली दोस्तों जो सिंपल की मैपिंग है आप यहाँ पर कर सकते हो एंड बाकी यहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हो, तो ये आपका फुल स्क्रीन यहाँ से हो जाएगा। एंड यार सच बताऊँ तो कोई भी लैगनेस का यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाड़ी देखने को मिल जाएगा तो अपन गाड़ी का भी कर लेंगे, जाते हैं फिर से कीबोर्ड वाले पे करते हैं, तो इसे अपन इसे ये कर लेते हैं इधर, इसे अप वाले पे कर लेते हैं, इसे डाउन कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे दोस्तों वो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं एंड चलिए हम देखते हैं थोड़ा चला के कि अपना यहाँ पर ठीक काम कर रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर जो हमारा व्हीकल का जो की मैप है वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। बस यही था दोस्तों कि आपको बताना था कि एक नया एमुलेटर आ चुका है 2022 का, तो काफ़ी अच्छा एमुलेटर है दोस्तों, आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा, आपके लो एंड पीसी में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। फ्री फायर खेलना चाहते हैं या फ्री फायर मैक्स भी खेलना चाहते हैं तो भी इसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई भी दिक्कत आता, कोई भी इशू आता तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।